खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अब नहीं चलेगी विधायकों और सांसदों की मनमानी। वोट के बदले नोट लेने पर अब सांसदों और विधायकों पर चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराना फैसला पलटा। जी हां, अब सांसदों और विधायकों को कानूनी छूट नहीं दी जाएगी। क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला, जानिए इस रिपोर्ट में। वोट के बदले नोट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बेंच ने 26 साल पुराने अपने पिछले फैसले को पलट दिया है। सीजीआई ने सांसदों को राहत देने पर असहमति जाहिर की है। 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा, किसी को घुसखोरी की कोई छूट नहीं मिलेगी। रिश्वत लेकर वोट देने पर अभियोजन को छूट नहीं दी जाएगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं। वहीं कोर्ट के पिछले फैसले को खारिज किया जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में पिछले 25 साल यानी 1998 में सदन में वोट के बदले नोट मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट की बात कही गई थी। बता दें, बहुमत के फैसले में 5 जजों की पीठ ने पाया कि सांसदों को अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के बदले आपराधिक मुकदमे से छूट है। अनुच्छेद 105 और 194 संसद और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से उम्मीद है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में घपला जो है कम देखने को मिलेगा। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने फैसले में बदलाव किया है। फिलहाल इसी तरह से अपडेटेड न्यूज के लिए बने रहिए यूनिफाइड न्यूज के साथ। ब्लैक लीफ हमेशा अपने अपनों के जीवन में मिठास घोलता आया है। कस्टमर्स के लिए उम्दा उत्पाद और बिजनेस पार्टनर्स के लिए अपने पन का एहसास, यही है ब्लैक लीफ की खास बात। ब्लैक लीफ परिवार से जुड़ने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। साथ आइए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। ब्लैक लीफ, क्वालिटी इज आवर प्रायोरिटी।